बाबू के छोले भटूरे तरीके से मशहूर है और मात्र 2 या 3 घंटे के अंदर ही जो इनके तमाम छोले भटूरे जो है वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वाद जो है वो पिछले 40 सालों से ऐसे ही बरकरार है। प्लेट हम भी खा के देखेंगे इनसे और एक प्लेट लगवाएंगे, देखते हैं किस तरीके का टेस्ट है। जो हालांकि एक बार ग्राहकों से जो है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अब लास्ट स्टेज पे है, बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफी बड़े चाव से इनके भटूरे जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल खासियत है इनके भटूरों की। और जिस तरीके से मैं बता रहा था कि देसी घी में जो है वो स्पेशल ये भटूरे जो है वो तैयार करते हैं, लोग अपने परिवार के साथ जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं, दूर दराज से आते हैं और इन भटूरों का जो है वो भरपूर आनंद लेते हैं। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया कि बाबू के छोले भटूरे किस तरीके से मशहूर है और मात्र 2 या 3 घंटे के अंदर ही जो इनके तमाम छोले भटूरे जो है वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वाद जो है वो पिछले 40 सालों से ऐसे ही बरकरार है। फरदाबाद से अनिल राठी, न्यूज 18 हरियाणा। बाबू के छोले भटूरे तरीके से मशहूर है और मात्र 2 या 3 घंटे के अंदर ही जो इनके तमाम छोले भटूरे जो है वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वाद जो है वो पिछले 40 सालों से ऐसे ही बरकरार है। प्लेट हम भी खा के देखेंगे इनसे और एक प्लेट लगवाएंगे, देखते हैं किस तरीके का टेस्ट है। जो हालांकि एक बार ग्राहकों से जो है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अब लास्ट स्टेज पे है, बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफी बड़े चाव से इनके भटूरे जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल खासियत है इनके भटूरों की। और जिस तरीके से मैं बता रहा था कि देसी घी में जो है वो स्पेशल ये भटूरे जो है वो तैयार करते हैं, लोग अपने परिवार के साथ जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं, दूर दराज से आते हैं और इन भटूरों का जो है वो भरपूर आनंद लेते हैं। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया कि बाबू के छोले भटूरे किस तरीके से मशहूर है और मात्र 2 या 3 घंटे के अंदर ही जो इनके तमाम छोले भटूरे जो है वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वाद जो है वो पिछले 40 सालों से ऐसे ही बरकरार है। फरदाबाद से अनिल राठी, न्यूज 18 हरियाणा।